संविधान के लागू कान होगा तो भारतीय जनता पार्टी मेंदा एक देश एक कानून तब आबुआ नोंडे ना कानून उका कानून ते आबु बुन बंचाव कान आबु नोंडे ना एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट सरिया कानून ये सारा का सारा कानून समाप्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी उनका जो आरएसएस का इशारे पर जो कानून बनाएगा उसी कानून के आधार पर देश को चलाने का काम करेगा। उना ये थे अब आठ हुदिस कते नियतम उपल वहा छापा दो बाबुन बोलो जो आतू करे नियतम दो सूझीते आसार छापा बोल अब आसार छापारन बोल हो ती छापाबू नियल ठीका उना दो अबुआ गठबंधन रे उम्मीदवार कनाय जो तो मिलो कते बुन लड़ाई कना और नुआ लड़ाई रे नियतम अबु गोड्डा लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन मानवतान प्रदीप यादव बुन जीतबिया और नुआ दिसम रे नीतो दो नरेंद्र मोदी दो बान राहुल गांधी प्रधानमंत्री बिना आ राहुल गांधी बुन चुने हुआ और उनाये थे आपे कुछ जो तो तैयार करता है ना नियतोमा वोट दो बदलाव रिया वोट करना बदलाव रिया बयार चला करना बदलाव रिया हो ही चाहते आप उन बंचा उना दिशा करते आप उन इधर पिलर चिकाते को मौज को रुखिये तबुन उना दिशा करते ऊपर बहालो नियतों दो बांग ती छपा करना ती छपा नुवा ती छपा ती का बोन चला नुवा ती छपा के बटन बोन दबावा और नोडे कोई मानो तान प्रदीप यादव बोन जीते हुआ तो कोई तो आबू जोको पाटले ने उम्मीदवार कनाए निये कथा मेल करते की कथा नुचंदा माहिर सेन फोन जोको अड़ी अड़ी मानो जोहार। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। अब मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय मनीष शंकर भैया से आग्रह करेंगे कम शब्दों में अपना संबोधन रखे। मनीष शंकर भैया धन्यवाद भाई। अब मैं जरा जोर से बोलिए क्योंकि एक आदमी जो फिर से गोड्डा को चुराना चाहता है घूम रहा है चोरी की तरह, उनके कान में यह आवाज जानी चाहिए। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, लालू तेजस्वी जिंदाबाद, हेमंत सिंह जिंदाबाद। आप लोग केवल एक और नारा दीजिएगा मेरे साथ, आवाज बुलंद होनी चाहिए। जय भीम के लगभग 500 कार्यकर्ता जो भीम आर्मी में काम करते हैं उन लोगों के बिल्कुल उत्साह को बढ़ाना है जिस तरह से आज गांव गांव घूम रहे हैं। जय 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 भीम, जय 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 भीम। अभी संजय बाबू कह रहे थे कि संविधान बचाने की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है,
इस लड़ाई में आप भागीदार होना चाहते हैं, एक बार जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए, सबकी जोरदार तालियां। मैं पूरे मंच को प्रणाम करता हूं, हमारे एक एक सीनियर लीडर यहां बैठे हैं, आदरणीय हेमलाल बाबू जो सबसे सीनियर है, भले अभी मंत्री नहीं है, अभी विधायक नहीं है, हम लोग बचपन में सुनते थे कि भाई हेमलाल बाबू विधायक हुआ करते थे, भले उनका विधायक अभी हम है, लेकिन हम सबों ने उनको सबसे आगे राजनीति में देखा है। जरा हेमलाल बाबू के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। यहाँ मंच पर दो दो मंत्री हैं, हफीजुल साहब और बादल बाबू, और दोनों को चैलेंज करता है कोई एक आदमी, नाम नहीं बोल भो के डाइनियर नाम बोलना सुमर बढ़ाई बोलिए हाय दोनों के नाम चलते और बीचो में पड़ जाते रगड़ा के मरी जाते। दोनों मंत्री के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। एक बार हमारे विजय हल्दा जी एकमात्र सांसद जो समय के अभाव में मंच पे मंत्रीगण और सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ, समय का अभाव के कारण समय नहीं दे पा रहा हूँ। मैं झारखंड के प्रभारी आदरणीय मीर साहब से आग्रह करें। सुनते सुनते मुझे एक स्कूल के दिनों की कहानी याद आ गई है। उन्होंने बोला कि कई बार से थोड़े थोड़े से फिसलते रहे, मुझे उस चींटी की कहानी आ गई, याद आ गई, जो बार बार एक दाने को लेकर ऊपर चढ़ने का प्रयास करती थी ताकि वो अपने घर तक पहुंचे, और कई बार असफल होने के बाद उसका प्रयास सफल हुआ। प्रदीप भैया, जब मैं आई तो आपको अग्रिम बधाई देने का आपको काम किया है, इस बार का आपका यह प्रयास हम सब मिल करके सफल करेंगे। इस बार की लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी जाति की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, इस बार की लड़ाई संविधान की है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस महासंग्राम में एक तरफ धर्म के साथ महागठबंधन इंडिया गठबंधन के लोग सत्य के साथ अपने खड़े हैं, और दूसरी तरफ इस देश में पिछले 10 साल से अधर्म का राज फैलाने वाले भाजपा और आरएसएस के लोग हैं। यह संविधान बचेगा तो हमारा आरक्षण बचेगा, यह संविधान बचेगा तभी गरीबों को जो आज तक 70-75 साल में लोग बोलते रहे हैं, तभी संविधान के मार्फत वो मिलेगा। आज SC ST OBC को आरक्षण मिल रहा है, और महिलाओं को अगर लोकल बॉडी में आरक्षण मिला तो वह संविधान का ही देन था। आगे भी महिलाओं के साथ जब न्याय होगा तो भी संविधान के माध्यम से ही होगा। कई लोगों ने मुझसे पूछा और बार बार मेरी नजरों में देखते हैं कि क्या दुख है, क्या मैं अपने पार्टी के साथ गलत करूंगी, क्या मैं अपने प्रत्याशी के साथ कुछ गलत करूंगी। मैं उनको कह देना चाहती हूँ, भाजपा और आरएसएस के लोगों को और जो अपने परिवार के सदस्य हैं उनको भी हजारों बार ऐसे टिकट कुर्बान होंगे राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। मैं एक और छोटी कहानी, हम लोगों के हमारा JMM के भी बड़ी